नमस्कार जी, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय ठाकुर कबड्डी पे। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दोटा गांव के उभरते हुए सितारा नितिन चंदेल से, जो कि हाल ही में प्रो कबड्डी सीजन 9 में जयपुर पिंक पैंथर में सेलेक्ट हुए हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं नितिन चंदेल जी से। नितिन चंदेल जी, पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप प्रो कबड्डी सीजन 9 में सेलेक्ट हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? सब बहुत बढ़िया लग रहा है, सब बहुत खुशी हो रही है कि मैं प्रो कबड्डी में जा रहा हूँ सीजन 9 में। फिर कहाँ से शुरुआत हुई आपकी कबड्डी की, कुछ बताएंगे कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया, आज आप प्रो कबड्डी सीजन 9 में खेलने जा रहे हैं, तो कैसा, मतलब कैसा रहा सफ़र आपका? सफ़र तो बहुत बढ़िया रहा। हमारे गांव में सब खेलते थे कबड्डी, हमारे गांव में काफ़ी बड़ा नाम है अजय ठाकुर पद्मश्री, उन्होंने हम उनको देख देख कर ही सीखे सब कबड्डी। अच्छा, तो हाल ही में आप अभी छोटी सी उम्र में ही बड़े, मतलब बड़ी उपलब्धि भी, बड़े प्लेटफॉर्म में खेलने जा रहे हैं प्रो कबड्डी सीजन 9 में, मतलब आप अपना थोड़ा प्रैक्टिस का शेड्यूल बताएं कि आप कैसे प्रैक्टिस, आपकी कैसे दिनचर्या रहती है, तो कैसे मतलब प्रैक्टिस? मैं साई होस्टल बिलासपुर में हूँ, जो वहाँ के कोच श्री प्रमोद खाकटा जी और पंकज शर्मा, हमारे इंचार्ज विजय नेगी सर, अच्छा, वो हमारे हम मतलब शेड्यूल में एक प्रैक्टिस करवाते हैं सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, और बाकी डाइट वाइट का ध्यान रखते हैं, और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। अच्छा, चलो ये तो होगी प्रैक्टिस की बात। चलो फिर सीजन प्रो कबड्डी 9 में सिलेक्शन हुई है आपकी, तो फिर कब जा रहे हैं आप कैंप के लिए, क्योंकि हाल ही में सभी टीमों के कैंप लग गए हैं जहाँ तक जानकारी है, तो आपका कैंप कब से लग रहा है? हमारा सर 30 को लग रहा है सर, देहरादून कैंप लग रहा है। अच्छा, फिर कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो। अच्छा, फिर आगे मतलब अभी तो ये प्रो कबड्डी सीजन 9 है, हाल ही में सीनियर नेशनल के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हो आप, तो मतलब काफ़ी विवाद रहा, तो कैसा मतलब ये पिछले चंद महीनों का कैसा रहा आपका, मतलब जो काफ़ी हिमाचल फेडरेशन का विवाद चला था, उसमें कुछ नाम आपका भी आया था कि सिलेक्शन को लेके, पर आपने अपने आप को एक साबित करके दिखाया सीनियर नेशनल में, गोवा की टीम से खेल के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लाए, आपको बहुत बधाई हो। मतलब कैसा रहा आपका, मतलब ये कुछ पिछले महीनों का, मतलब जो आपका कबड्डी का करियर, जो मतलब कबड्डी का खेल के प्रति, मतलब आप तो खिलाड़ी थे, पर जो एक मतलब विवाद चला हुआ था उसके बीच में कुछ आपका भी नाम ले रहे थे कि सिलेक्शन कटी, पर आपने गोवा टीम से खेले, अपने आप को साबित किया अपने दम पर, तो मतलब कैसा रहा आपका पिछले कुछ महीने, क्योंकि बाहर से टीम से खेलना, जाके हिमाचल से जाके गोवा में खेलना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप बताना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका वहाँ का सेमी नेशनल का? पहले तो ऐसा था कि सिलेक्शन काटती, मतलब थोड़े दिन ऐसा रहा, मन उदास रहा, फिर उसके बाद वहाँ हमारे कोच थे गोवा के जसवीर सिंह, उन्होंने हमारा ट्रायल लिया, उनको ऐसा लगा कि ये लड़का की अच्छा है, फिर वहाँ मुझे सिलेक्ट किया बाकी फिर। अच्छा, चलिए ये तो होगी नेशनल की बात, फिर आगे का आपका मतलब प्रो कबड्डी की बात भी चलो आप ले लिए, फिर आगे का आपका करियर का क्या प्लान है? मतलब सर, मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहता हूँ अजय ठाकुर की तरह। अच्छा, हमारे मेरा आइडल अजय ठाकुर जी है, जो पद्मश्री रहे हैं सर, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। चलो ये तो करियर की बात होगी, अब थोड़ा आ जाते हैं पढ़ाई की तरफ भी, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो आप, मतलब बताना चाहेंगे कि कौन से मतलब कॉलेज में, कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं आप, कैसा रहता है आपका पढ़ाई का शेड्यूल, क्योंकि पढ़ाई स्पोर्ट्समैन के लिए एक बड़ा डिफिकल्ट सा प्लेटफॉर्म ही होता है भाई, पढ़ाई करना ना भी, सुबह उठना 4 बजे, ग्राउंड भी जाना जैसे आपने बताया कि सुबह उठना, फिर उसके बाद कॉलेज जाना, तो मतलब कैसा रहता है आपकी दिनचर्या बिलासपुर में? कॉलेज जाते हैं मतलब भी, कॉलेज जाके अपना पढ़ना ही है। चलो कुछ नहीं भाई, खुश है बहुत है, प्रो कबड्डी सीजन 9 में सिलेक्ट हुए हैं, थोड़ा पढ़ाई के बारे में इनसे पूछा तो थोड़ा शर्मा रहे, पर बताएंगे, बताइए हमारे, आपको दर्शक देखेंगे, हमारे व्यूअर्स देखेंगे यूट्यूब पर, बताइए कि कैसा रहता है आपका कॉलेज का कुछ, क्योंकि वो एक कॉलेज तो ये जाते हैं, वहाँ पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा, जितनी हो सके नहीं, मैं आपकी ये बात पूछ रहा हूँ कि ये मोमनी स्पोर्ट्समैन जो बड़ा मतलब कि शाही टाइप प्लेयर है भाई, ऐसा नहीं है, खुल के बताओ भाई लाइफ में आगे क्या अचीव करना चाहते हो, जो मतलब आपका सपना हो कि मुझे ये बनना है। सर, मैं
अर्जुन अवार्ड प्राप्त करना है। अर्जुन अवार्ड लेना चाहते हैं आप लोग, है ना, तो उसके लिए क्या जद्दोजहद लाइफ में, मतलब क्या मेहनत आपकी, क्या शेड्यूल रहेगा नेक्स्ट? प्रैक्टिस करेंगे सर, जितनी जितनी क्या जितनी हो सकती है। कितनी करेगा फिर, मतलब ये। और एक बात आपको, चलो दर्शकों को हम बता देते हैं कि ये इंटरव्यू जैसा हमने लिया है वैसा ही आप सबको दिखाएंगे, हंसी मजाक। हाँ चलो ठीक है मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप कुछ कहना चाहें नितिन को, बेस्ट ऑफ लक देना चाहें? बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से नितिन को और सभी। और चलो धन्यवाद।